टूटा हुआ सांस हूँ मैं, सांस हूँ मैं सीने में जो कहीं पे तभी। तो हेलो दोस्तों, फिर से एक न्यू ट्रेंडिंग लिरिक्स वीडियो एडिटिंग लेके आ गया हूँ। तो अभी जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में जो प्रीव्यू देखा है, तो कुछ इस प्रकार की लिरिक्स वीडियो बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी कुछ इस प्रकार की लिरिक्स वीडियो क्रिएट करना चाहते हो जो भी इंस्टाग्राम पर काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक ज़रूर वॉच करते रहना। तो गाइस, इसके लिए आपको दो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। फर्स्ट एप्लीकेशन का नाम है अलाइट मोशन, जिससे गाइस अपने लिरिक्स को क्रिएट करेंगे, ये भी आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और सेकंड जो एप्लीकेशन है, इसका नाम है नोड वीडियो। तो गाइज, इससे हम अपनी ग्लोइंग इफेक्ट देंगे लिरिक्स में, तो ये भी आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलो, यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर अलाइट मोशन को ओपन कर लीजिए और प्लस के आइकन में क्लिक कर लीजिए। देन 9:16 की साइज़ को हम सेलेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड कलर ब्लैक सेलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट पर टैप कर लेंगे। अभी जो भी इस वीडियो का एडिटिंग के लिए मैंने मटेरियल यूज किया है, सबका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले यहाँ पर प्लस पर टैप करेंगे, मीडिया में आएंगे, उसके बाद मैं गाइस यहाँ पर अपनी गैलरी में आ जाता हूँ, ठीक है। और गैलरी से गाइस यहाँ से हम पहले वीडियो को सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखो, जो सॉन्ग अभी आपने स्टार्टिंग में सुना था, उसी वाले वीडियो को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इस वाले को सिलेक्ट करने के बाद मैं 3 डॉट पर आके एक्सट्रैक्ट ऑडियो पर क्लिक करेंगे, तो इसकी सॉन्ग आ जाएगा। बाकी वीडियो को क्लिक करके मैं डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे सॉन्ग ही चाहिए था। अभी सबसे पहले गाइस इसकी वॉल्यूम को मैं कम कर लेता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पर आपको सुनाई देगा, ठीक है। तो यहाँ वॉल्यूम कम करने के बाद अब क्या करना है, अपनी लिरिक्स को लिखना होगा। तो जो भी सॉन्ग रहेगा उसके लिरिक्स को आप गूगल में जाकर सर्च कर लीजिएगा, आपको बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे। वहाँ से कोई भी वेबसाइट से आप लिरिक्स को क्लिक करके कॉपी कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे लिरिक्स को कॉपी करके यहाँ पर अपनी अलाइट मोशन में फिर से वापस आ गया हूँ। अब अपने लिरिक्स को सुन सुन के लिखेंगे। तो पहली जो वर्ड हमने लिखना है, तो पहले प्लस पे टैप करेंगे, टेक्स्ट पे आएंगे, और पहली जो वर्ड है क्या है, टूटा हुआ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टूटा, ठीक है। उसके बाद मैं कलर में आकर वाइट कलर को ऐड करेंगे। अब देखो, आपको 2-3 फॉन्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, नहीं तो कुछ फॉन्ट आपको अलाइट मोशन में पहले से ही मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको रोबोट रेगुलर पर क्लिक करना है, और ये वाला गाइस एक फॉन्ट है जिसे आपको ऐड करना होगा। अब ऐड करने के लिए क्या करना है, व्यू ऑल फॉन्ट्स में आना है, 3 डॉट पे आके इंपोर्ट फॉन्ट्स में आना है। जिस भी फोल्डर में या जिस भी गैलरी में आपने फॉन्ट को रखा होगा, सिंपली फॉन्ट को आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। फॉन्ट आपकी सिलेक्ट होकर यहीं पर शो हो जाएगा। और फॉन्ट अगर नहीं शो हो रहा है, तो उसकी नेम आप देख लो तो क्या है। तो देखो, ब्रेथिंग कुछ ऐसे नाम का गाइस ये फॉन्ट है, तो मैं यहाँ पर सर्च में लिख लूँगा ब्रेथिंग, ठीक है। देखो, जैसा भी लिखूँगा ब्रेथिंग, तो यहाँ पर आपको ये वाला फॉन्ट मिलेगा, इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब इसकी साइज़ को मैं ऐसे करके बढ़ा लेता हूँ, बाकी का जिसको मैं यहाँ पर सेंटर में रख लेता हूँ। इतना करने के बाद फिर प्लस में आएंगे और टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में गाइस यहाँ पर हम दूसरी जो लिरिक्स रहेगा उसको पेस्ट कर देना, या अगर आपको याद है तो यहाँ पर लिख सकते हो। तो मुझे याद नहीं था, यहाँ पर पेस्ट कर दिया हूँ। अब यहाँ पर कलर में आके इस वाले कलर को रेड कर लूँगा, इसको क्लिक करके डार्क कर लूँगा। अब यहाँ पर देखो, सिंजल बोल्ड नाम के गाइस कुछ इस तरीके से फॉन्ट है, जो आपको लाइट मोशन में पहले से मिलेगा। तो सर्च में आना, यहाँ पर लिखना आपको सिंजल। तो जैसे देखो, सिंजल बोल्ड यहाँ पर ये वाला फॉन्ट है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर आ चुका है, इसकी साइज़ को ऐसे करके आपको छोटा बड़ा कर लेना है, जितना भी करना चाहते हो, और यहाँ पर कर लेना, और इसको थोड़ा नीचे की तरफ कर लीजिए। अब इसी को क्लिक करके प्लस में एक डुप्लीकेट एक लेयर कर लो, और इसको इस तरफ खिसका लो। अब यहाँ पर एडिट टेक्स्ट में आइए, इसको क्लिक करके डिलीट कीजिए। अब जो दूसरी लिरिक्स है उसको लिख लो, और यहाँ पर क्या करना है, कलर में आना है, जो कलर आपको अच्छा लगता है यहाँ से कलर को चूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं ये कलर डाल देता हूँ, ठीक है। तो देखो गाइस, यहाँ पर ये लिरिक्स हमारा एक क्रिएट हो चुका है। अब आपको वीडियो को पहले प्ले करना है, और पहले तो इसकी ड्यूरेशन को हम तीनों को लास्ट तक यहाँ तक कर देंगे, ठीक है। तो देखो, अब क्या करना है, वीडियो को आपको प्ले कर लेना है। प्ले करने के बाद में गाइस आपको क्या करना होगा, सॉन्ग को पहले सुन लेना है। तो देखो, पहले यहाँ तक है, तो यहाँ एक बीट मार्क लगा लीजिए। अब इन तीनों लिरिक्स को सेलेक्ट करके बीच वाले ऑप्शन में टैप करके इसको कट लगा लो। अब यहाँ पर फिर से नेक्स्ट लिरिक्स को टैप करके इसको क्लिक कीजिए और डिलीट कर लो, ठीक है।
अब जो नेक्स्ट लिरिक्स रहेगा उसको यहाँ पर आपको लिख लेना होगा, उसके बाद डन कर लो। उसके बाद फिर से यहाँ पर लिरिक्स पे टैप कीजिए दूसरी वाले पे और एडिट टेक्स्ट में आइए और यहाँ से जो नेक्स्ट वाले लिरिक्स है उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। फिर बाकी की जो लिरिक्स रहेगा उसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और देखो कॉपी करने के बाद कलर में आएंगे और जो कलर आप ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो। इस बार मैं ग्रीन कर लूँगा और इसको यहाँ पर मैं रख लूँगा फिर से। और इसके बाद नीचे वाले लिरिक्स को टैप करेंगे, एडिट में आएंगे और यहाँ से पहले दूसरी वाली जो है अब है खुद, तो इसको क्लिक करेंगे। अब इसकी जो कलर है यहाँ पर मैं इसको भी चेंज कर लूँगा थोड़ी सी गाइस, यहाँ पर साइज को मैं छोटा बड़ा कर लूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं और थोड़ा सा क्लिक करके यहाँ पर स्मॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके आपको कर लेना होगा। फिर से प्ले करना, सुन लेना आपकी ये लिरिक्स कहाँ ख़त्म होगी, जहाँ ख़त्म होगा वहीं पे एक बीट मार्क लगा लेना और फिर से इन लिरिक्स को सेलेक्ट करके बीच में क्लिक करके कट लगा लीजिए। फिर इसको टैप करके एडिट में और जो दूसरी लिरिक्स लिखना चाहते हो फिर से गाइस यहाँ पर उसको आपको लिख लेना है, ठीक है। फिर से बाकी लिरिक्स को यहाँ पर कॉपी करेंगे और इसको मैं यहाँ पर ऐसे करके लगाऊंगा। उसके बाद फिर से गाइस यहाँ पर ऊपर वाली लिरिक्स को टैप करेंगे और एडिट में आके गाइस यहाँ पर दूसरी लिरिक्स को यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। अब कलर में आके गाइस यहाँ पर मैं जो करता हूँ येलो कलर ऐड करता हूँ और थोड़ी सी साइज़ यानी कि साइज़ को बढ़ा लूँगा ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद में गाइस ऊपर वाले को टैप करेंगे, लिरिक्स को एडिट में आएंगे। अब यहाँ पर है ही तो यहाँ पर भी क्लिक करेंगे और इस वाले में हम थोड़ा सा कलर डिफरेंट डालेंगे, तो यहाँ पर इस बार हम डालेंगे ग्रीन, तो इस तरफ ग्रीन डाल देंगे और यहाँ पर इसको क्लिक करके ऐसे लगा देना है, ठीक है। तो साइज़ थोड़ा बड़ा छोटा करके, ठीक है, ऐसे करके लगा देना है। तो देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको भी प्ले करना, जहाँ पर ये आएगा इसको रख लेना है। फिर से तीनों को गैच भी सेलेक्ट करके कट लगा के बीट मार्क लगा लीजिए। तो देखो ऐसा करके आपको पहले एक लिरिक्स को गैच यहाँ पर बना लेना होगा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करके आपको लिरिक्स वगैरह क्रिएट कर लेना होगा, ठीक है। अब देखो जैसे लिरिक्स आपकी क्रिएट हो जाएगी तो आपको क्या करना है ध्यान से देखते रहना। पहले नीचे वाले को छोड़ देना जो व्हाइट वाला है, इस लिरिक्स को छोड़ के ऊपर जो दोनों है इसको सेलेक्ट करके इस वाले ऑप्शन में क्लिक करके ग्रुप बना लीजिए। इन दोनों को फिर से सेलेक्ट कीजिए, इस वाले ऑप्शन में क्लिक करके ग्रुप बना लो। फिर से इन दोनों को सेलेक्ट कर लो और इस वाले ऑप्शन में क्लिक करके ग्रुप बना लीजिए। फिर से इधर पे क्लिक करके दोनों को सेलेक्ट कर लो यहाँ पे और इस वाले ऑप्शन में क्लिक करके ग्रुप बना लो। तो देखो यहाँ पर ग्रुप आपको ऐसे करके बना लेना होगा। अब जैसे ये ग्रुप बन जाएगा तो आप नीचे वाले व्हाइट वाले लिरिक्स पर टैप कीजिए और यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफर में आओ और गाइस यहाँ पर जूमिंग वाला इफेक्ट में आओ। एक प्लस स्टार्टिंग में लगाओ, एक थोड़ी सी आगे जाके लगाओ, ठीक है। और इसको ना इतना पे ही रहने देना, बस स्टार्टिंग में आके इसको छोटा कर लेना ऐसे करके, आपको छोटा कर लेना है देखो। और यहाँ पर आना कर्व में आके ऐसे करके आपको कर्व दे देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कर्व दोगे, उसके बाद में बैक होना, देखो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, देख सकते हो। अब यहाँ पर इसको टैप कीजिए, इफेक्ट में आके एड इफेक्ट पर आइए और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है डायरेक्शनल ब्लर। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है डायरेक्शनल ब्लर। जैसे सर्च करोगे तो ये वाला ऑप्शन आएगा, क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग को ऑन कीजिए। तो एंगल को सबसे पहले यहाँ पर 90 डिग्री कर लो, ठीक है, ऐसे करके 90 कर लीजिए। और यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ पे आना है, एक प्लस स्टार्टिंग में लगा लीजिए और एक प्लस आपको यहाँ पर थोड़ी सी आगे जाके लगा लेना है, ठीक है। तो आगे जो लगाओगे उसको ज़ीरो कर लेना है, स्टार्टिंग में जो लगाओगे उसको गाइस इतना ही रहने देना है, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं, चाहे तो आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हो गाइस, ठीक है, अपनी अकॉर्डिंग जितना करना चाहते हो कर सकते हो, बट ऐसे करके आएगा, देख सकते हो ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो ठीक है गाइस रहने देते हैं। अभी फिर इफेक्ट में आके एड इफेक्ट पाएंगे, यहाँ पर आप सर्च करेंगे, देख सकते हो क्या था भाई मेरा इफेक्ट जो था मैं भूल गया, मैं ऑसिलेट, तो ऑसिलेट था, तो ऑसिलेट को यहाँ पर सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग को ऑन करेंगे। अब इसकी भी एंगल को हम यहाँ पर 90 डिग्री कर लेंगे, ठीक है, ऐसे करके आपको 90 डिग्री इसकी भी एंगल को कर लेना होगा, ऑसिलेट को भी, ठीक है, जैसे ही कर लेंगे। उसके बाद में क्या करना है आपको, यहाँ पे मैग्नीट्यूड पे आना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड पे आने के बाद में क्या करना है आपको, यहाँ पे एक प्लस स्टार्टिंग में लगाना है और एक प्लस यहाँ पे भी लगाना है और यहाँ आपको पूरा ज़ीरो कर लेना है, ठीक है। और स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर 35 कर लेना है, 35 कर लेना है। तो देखो कुछ इस तरीके से होगा, देख सकते हो अब इस तरीके से होगा। तो इतना करने के बाद में अब हम बैक होंगे, इफेक्ट में आके एड इफेक्ट पाएंगे और इस बार हम सर्च करेंगे फेड इन आउट, इसको क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग को ऑन करेंगे, इन को पूरा जीरो और आउट को यहाँ पर हमने 40 कर लेना है, ठीक है।
अब यहाँ पर हम इसको बंद कर लेंगे। तो देखो एक इफेक्ट हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब ये ग्रुप वाले को टैप करो और देखो ध्यान रखना कि अब लिरिक्स ग्रुप वाला जहाँ से प्ले करने दो, जैसे कि यहाँ पर प्ले करने दो, तो मैं इसको आगे कर लेता हूँ, बाकी इधर के एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे, फिर इसको भी थोड़ा आगे कर लूँगा और यहाँ से फिर से इस एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लूँगा। तो यहाँ पर फिर से इधर भी कुछ इस तरीके से आगे आप करना चाहते तो कर लेना, बाकी यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट की इनकी कट कर लेना, ठीक है। तो ऐसे करके कर दिया हूँ। अब ग्रुप वाले को टैप करेंगे और यहाँ पर क्या करना है आपको, इफेक्ट में आके एड इफेक्ट पे आना है, ठीक है। और तो सबसे पहले कहा जी यहाँ पर हम चलो एक इफेक्ट ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए मूवमेंट ट्रांसफर में आइए और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक प्लस यहाँ पर स्टार्टिंग में लगा देना है इसके, और एक प्लस एंड में जाके लगा देना है, ठीक है। जो स्टार्टिंग वाला है ना, इसको आपको ऊपर करना होगा। तो थोड़ा सा पहले आगे कर लेते हैं ताकि शो हो जाए। इसको ऐसा करके देखो लाइन सीधी जानी चाहिए गाइस, यहाँ पर रेड होनी चाहिए, ऊपर जाना है, और इसको ना इस तरफ कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें कर्व में जाके देखो ऐसे करके इसमें भी कर्व दे देना है, ठीक है। कर्व देने के बाद में अब यहाँ पर इफेक्ट में आइए और एड इफेक्ट पाइए। यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है मोशन ब्लर, इसको क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग को ऑन करके इसको टून को पूरा यहाँ पर 40 कर लेना, यानी जो 4.0 कर लेना है, और वही आपको इसमें वाले इफेक्ट में आना है। और इफेक्ट में आके जो फेड इन आउट, इसको क्लिक करके 3 डॉट पे आके कॉपी इफेक्ट कीजिए और इसको क्लिक करके इफेक्ट में आके पेस्ट इफेक्ट कर लो। तो देखो हमारा कुछ इस तरीके से गाइस यहाँ पर इफेक्ट आ चुका है, देखो यहाँ पर। तो ये इफेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर जो भी है एक किसी को पहले क्लिक कर लो, जैसे इस वाले को, और प्लस में आइए और कॉपी लेयर कर लो, इसकी ये इफेक्ट कॉपी हो चुकी है। अब जितने भी व्हाइट वाले लिरिक्स से क्लिक कीजिए, प्लस में आइए, पेस्ट स्टाइल सबसे नीचे दिख रहा है, इसकी एरो पे आपको क्लिक करना है और ऊपर इन सब को अनटिक कर लेना है और यहाँ पर पेस्ट पर क्लिक कर देना है। तो देखो इसमें भी ये इफेक्ट लग जाएगा। फिर दूसरे वाले को क्लिक कीजिए इसको, फिर यहाँ पर प्लस में आकर पेस्ट स्टाइल के एरो पर क्लिक करके पेस्ट कर लो। फिर तीसरे में भी क्लिक करो, पेस्ट स्टाइल के एरो पर क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट कर लो। तो ये इफेक्ट देखो सारे इमेज में है, यानी सारी लिरिक्स में हमारा ऐड हो चुका है, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरी वाले को भी लेना है ग्रुप को, और प्लस में आके कॉपी लेयर करना है। अब दूसरी ग्रुप को टैप करना है, प्लस में आके पेस्ट स्टाइल के रो में जाके ऊपर के तीनों को अनटिक करके फिर पेस्ट कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पर इस तरीके से इसको भी क्लिक करेंगे, प्लस में आके पेस्ट स्टाइल के रो पर क्लिक करके पेस्ट कर लेना है। तो देखो इन सब में भी गाइस यहाँ पर ऑटोमेटिक ये सारा इफेक्ट ऐड हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो शेयर पर टैप कर लो और यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करके वीडियो को गैलरी में सेव कर लीजिए। मैं पहले से सेव करके रखा हुआ, इसलिए गाइस यहाँ पर बैक हो जाऊँगा। अब अपनी यहाँ पर नोट वीडियो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, न्यू में जाएंगे और जो वीडियो अभी हमने यहाँ पर अभी एक्सपोर्ट किया था उसको सेलेक्ट करना है। उससे पहले यहाँ पर रेडियो वाले ऑप्शन में टैप कर लो और 9:16 कर लीजिए, और प्लस में आकर मीडिया में आइए, वीडियो में आइए, और जो वीडियो अभी हमने क्रिएट किया था लाइट मोशन से उस वीडियो को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखो ये लिरिक्स है, तो यहाँ पर मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ थोड़ा, जैसे कहा जाए आपको यहाँ पर थोड़ा सा शो हो जाए, ठीक है। तो यार मिस्टेकली ना मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हमने कोई दूसरी लिरिक्स सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो चलो इसको मैं क्लिक करके, भाई डिलीट कहाँ चला गया, चलो भाई इसको हटा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। इसको यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे और 9:16 कर लेंगे और यहाँ पर गैलरी में आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से उस वाले लिरिक्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो फाइनली ये वाला लिरिक्स था, ठीक है, मैंने ग्लोइंग वाला सेलेक्ट कर लिया था। तो नॉर्मल आपको यहाँ पर पहले आ जाना इस वाले पोजीशन पे और प्लस में आके एसएस स्टोर पे आना है, और यहाँ पर देखो ग्लो का ऑप्शन दिख रहा है, इसको सेलेक्ट कर लेना है बस। थ्रेशोल्ड है, इसको खाली इंक्रीज कर लीजिएगा थोड़ा सा। बाकी का जी यहाँ पर देखो वीडियो बन चुका है, सेव वाले ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पर ग्रीन वाले बटन पर टैप कर लेना और इस वीडियो को गैलरी में एक्सपोर्ट करके सेव कर लेना होगा।